शादी ब्याह वाले बैंड में ये देश है वीर जवानों का वाला गाना क्यों बजने लगता है, ये मेरी समझ में वर्षों तक नहीं आया। संभवतः इसकी धुन वाद्य यंत्रों की जांच, संगत इत्यादि की परख के लिए अच्छी होती होगी। ये गाना नया दौर नाम की एक काफी पुरानी सी फिल्म का है, तो ये भी हो सकता है कि बैंड पार्टी के सभी सदस्यों ने इसे सुना होगा, इस पर अभ्यास किया होगा। बी आर चोपड़ा की ये फिल्म अपने लोकप्रिय गीतों के अलावा दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी के लिए भी याद की जाती है। शुरुआत में इसमें मधुबाला को नायिका के तौर पर लिया गया था, लेकिन अपने पिताजी की बात मानते हुए इस फिल्म में कुछ दिन काम करके उन्होंने काम छोड़ दिया। इसकी वजह से बी आर चोपड़ा ने मुकदमा भी किया था। इसमें मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिताजी यानी अताउल्ला खान के खिलाफ गवाही भी दी थी। अपनी जीवनी में दिलीप कुमार यानी मोहम्मद यूसुफ खान इस घटना के बारे में काफी असहज होकर बताते हैं। इस फिल्म की कहानी जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। यहाँ पर विज्ञान की तरक्की और आने वाले समय में होने वाले बदलावों की वजह से जो हो रही हलचल होती है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। कहानी का नायक शंकर एक तांगा चलाता है और उसका करीबी दोस्त कृष्णा एक लकड़हारा है। दोनों को स्टेशन पर रजनी दिख जाती है जो अपनी माँ और भाई के साथ आई है। दोनों को उससे एक नजर में प्यार हो जाता है। शहर से उसी गांव में कुंदन आता है जो औद्योगिकरण के जरिए नेहरू वाले समाजवाद जैसा बदलाव लाना चाहता है। सबसे पहले वो बिजली से चलने वाली आरा मशीन ले आता है। इससे लकड़ी के मिल में कई गांव वालों की नौकरी जो होती है वो चली जाती है। दूसरी तरफ शंकर और कृष्णा को जब पता चलता है कि दोनों को एक ही लड़की पसंद है तो कौन उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाए इसका फैसला करने के लिए वो लॉटरी जैसा नुस्खा अपनाने की सोच लेते हैं। तय होता है कि रजनी अगर मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएगी तो शंकर उससे शादी करेगा और अगर पीले फूल चढ़ाए तो कृष्णा उससे शादी करेगा। शंकर की बहन मंजू को कृष्णा पसंद था। वो जाकर रजनी के पीले फूलों को सफेद फूलों से बदल डालती है। कृष्णा ये देख लेता है और सोचता है कि शंकर ने अपनी बहन के जरिए उसके साथ छल किया है। दोनों में झगड़ा और मारपीट हो जाती है और रजनी को पहले से ही शंकर पसंद था तो उसे भी ये चीज पता चलती है। सब लोगों को ये बात जब पता चलती है तो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और कुंदन के मिल के मशीनीकरण से जो नौकरियां गई थी यहां पर वो रुकता नहीं। आरा मशीन लाने के बाद वो बस ले आता है जिससे गांव के तांगा चलाने वालों की रोजी रोटी पर भी आफत आने वाली थी। तांगे वाले उसे बस हटाने को कहते हैं। बहस होती है और शंकर शर्त लगा लेता है कि उसका तांगा अगर वो बस से पहले गांव में लेकर आ गया तो कुंदन उस रास्ते से उस रूट से बस हटा लेगा। गांव वाले सिर पीट लेते हैं, भला तांगा किसी बस से तेज चलता कैसे। रेस में जीतने के लिए पहले गांव पहुंचने के लिए शंकर एक नया रास्ता बनाने का फैसला करता है। ये रास्ता 6 मील छोटा होता और उससे शंकर जल्दी पहुंच सकता था। जब गांव वाले शंकर की ये नया रास्ता बनाने में मदद करने के लिए तैयार नहीं होते तो वो 3 महीने बाद होने वाली अपनी रेस के लिए अकेले ही रास्ता बनाने में जुट जाता है। दूसरी तरफ शंकर से जो खार खाए बैठा उसका पुराना दोस्त कृष्णा होता है वो जाकर कुंदन से हाथ मिला लेता है। अकेले शंकर की मदद के लिए पहले तो रजनी आती है, फिर दूसरे तांगा चलाने वाले भी धीरे धीरे उसके साथ सड़क बनाने में आकर जुट जाते हैं। शंकर जीत न सके इसके लिए कृष्णा रास्ते में बने हुए पुल को खराब कर डालता है और कृष्णा को ऐसा करते हुए शंकर की बहन मंजू देख लेती है। वो फूलों को बदलने और अपनी कृष्णा के प्रति प्रेम की बातें स्वीकार लेती है। पछताता हुआ कृष्णा मंजू की मदद से फिर से पुल को ठीक करने में जुट जाता है। रेस होती है और जैसा कि जाहिर है हिंदी फिल्म थी तो नायक शंकर जो था वो बस से पहले तांगा लेकर आ जाता है और वो जीत जाता है। शंकर के लिए रजनी और कृष्णा के लिए मंजू होती है, यानी हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म हो जाती है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि फिल्म की इस कहानी के बहाने से हमने आपको इस बार भी भगवद गीता के ही कुछ श्लोक बता डाले हैं। इस फिल्म में आपको पहले नायक यानी शंकर को नहीं
सहनायक यानी कृष्णा को देखना है। यहां आपको छठे अध्याय का पांचवां और छठा श्लोक दिखेगा। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधोपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। जिसे स्वयं पर यानी इंद्रिय पे, क्रोध पर, लोभ पर, इन पर विजय पाली हो, वो स्वयं ही अपना मित्र होता है, लेकिन अजितेंद्रिय के लिए वो स्वयं ही अपना शत्रु है। कृष्णा के लिए मन में कैसा भाव जागता है? खलनायक के प्रति जैसी वितृष्णा होती या घृणा जैसा कोई भाव आता है? नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियों का शिकार है जिसे खलनायक बहका रहा है। किसी तरह वो सुधर कर वापिस नायक का मित्र हो जाए, दर्शकों का भाव यही रहता है। अपने पतन के लिए वो किसे जिम्मेदार कहे? अगर उसने पहले पता लगाया होता कि फूल किसने बदले हैं तो ये सारी समस्या आती ही नहीं। रागिनी को पाने की कामना ने उसकी बुद्धि हर ली थी। क्रोध में अब वो रागिनी को पाने के लिए नहीं, शंकर को मिटाने के लिए प्रयास कर रहा था। इससे आपका ध्यान जाएगा कि लोभ मोह जैसे कई दुर्गुणों को हटाने के बदले भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोकों में केवल क्रोध की बात क्यों कर रहे हैं। लोभ को हटाने की बात कर सकते थे, मोह को हटाने की बात कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ क्रोध की बात कर रहे होते हैं। प्रकृति मनुष्य को कैसे बांध कर उससे कर्म करवाती है, इस पर भी भगवद्गीता में काफी कुछ कहा गया है। कहानी की शुरुआत का कृष्ण सतोगुण के प्रभाव में होता है, फिर वो रजनी को पाने की कामना में रजोगुण के प्रभाव में आने लगता है, अंततः शंकर की शत्रुता में वो तमोगुण के प्रभाव में भी दिखेगा। इसलिए कहा गया है कि ये देवी त्रिगुणमयी यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली, मेरी माया को पार पाना अत्यंत कठिन है, जो मेरी शरण में आते हैं वो इसे पार कर जाते हैं। कृष्णा से तमोगुण छूटता है यानी शंकर के प्रति क्रोध छूटता है, तो रजोगुण यानी कि रजनी को पाने की कामना जो होती है वो भी छूट जाती है। वो सतोगुण के प्रभाव में है नहीं। जब वो पुल जोड़ने की कोशिश करता है तो उससे गलती ना हो, केवल इतना ही प्रयास है। प्रायश्चित के भाव में तो वो उसके बाद पहुंचता है। बाकी क्रोध और गुणों के बारे में नायक के बदले सहनायक के माध्यम से जो बताया है वो नर्सरी के स्तर का है, और पीएचडी के लिए आपको भगवद गीता स्वयं पढ़नी पड़ेगी। आगे किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम।